वेल गाइस, तो फाइनली NJPW का न्यू बिगनिंग ओसाका पेपर व्यू ओवर हो चुका है और आज यहां पर न्यू जापान प्रो रेसलिंग के ओसाका पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर विल ऑस्प्रे का आखिरी मैच देखने को मिला, जहां पर आज पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर यूनाइटेड एम्पायर वर्सेज बुलेट क्लब के बीच में 5-on-5 स्टील केज वॉर गेम देखने को मिलता है। और यहां पर करीबन 20 सालों के बाद आज पहली बार NJPW के अंदर हमें यहां पर स्टील केज देखने को मिला। वेल मैच के ओपनिंग पर डेविड फिनली और ऑस्प्रे मैच को स्टार्ट करते गए, जहां पर इन दोनों के ओपनिंग 5 मिनट पर जबरदस्त बैटल के बाद मैच के अंदर हमें यहां पर बुलेट क्लब की तरफ से एंट्री होते हुए दिखाई देती गए, जहां पर क्लॉक कॉर्नर्स रिंग के अंदर आके बुलेट क्लब के लीडर डेविड फिनली के साथ मिलकर ऑस्प्रे को बीट डाउन करना शुरू करते गए। और इसके बाद हर 2 मिनट के ऊपर बुलेट क्लब और यूनाइटेड एम्पायर दोनों टीम से मेंबर एंटर होते गए। और एक बार जब यहां पर इस पूरे मैच के अंदर यूनाइटेड एम्पायर और बुलेट क्लब दोनों टीम के 5 मेंबर एंटर हो जाते गए, तब यहां पर यह मैच इतना ज्यादा ब्रूटल हो जाता है जितना ब्रूटल मैच NJPW के हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ है। क्योंकि गाइस लिटरली आज इस मैच के अंदर हमें यहां पर टेबल लैडर और चेयर के साथ-साथ मैच के अंदर टर्म स्टैक देखने को मिले, हमें मैच के अंदर केंडो स्टिक देखने को मिला, हमें यहां पर मैच के अंदर हैंडकफ देखने को मिला। और इसके साथ-साथ इस मैच के अंदर मैच के एंडिंग के ऊपर बुलेट क्लब पूरे रिंग को फाड़ देती गए और मैच के एंडिंग पर यूनाइटेड एम्पायर के सभी मेंबर्स को मारने के बाद बुलेट क्लब यहां पर ऑस्प्रे को बीट डाउन करती गए। और आज यहां पर शो के एंडिंग के ऊपर बुलेट क्लब कंप्लीटली यूनाइटेड एम्पायर को डोमिनेट करते हुए इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाती गए। और गाइस जिस तरीके से ऑस्प्रे के आखिरी मैच के अंदर आज यहां पर विल ऑस्प्रे की पिटाई हुई गई, वो यहां पर डेफिनेटली काफी ज्यादा डेंजरस था, क्योंकि गाइस लिटरली मैच के एंडिंग के ऊपर पूरा रिंग यहां पर टूट चुका था। वेल गाइस ऑस्प्रे के मैच को हार जाने के बाद भी शो के एंडिंग के ऊपर ऑस्प्रे की पूरी फैक्शन इकट्ठा होती गए और हमें यहां पर क्राउड की तरफ से विल ऑस्प्रे को एक शानदार ट्रिब्यूट देखने को मिलता है।